मुरादाबाद में बरेली एसटीएफ और पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की, जहां दोनों टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश सहित दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो 2 साल पहले एक साइकिल मिस्त्री के घर डाका डाल चुके ये बदमाश डकैती के दौरान अंगूठी निकालने के लिए एक युवक की उंगली तक काट चुके थे। पकड़े गए दोनों बदमाश दिलनसी उर्फ 9 बिट्टू और उसका पिता गयूर उर्फ बिट्टन खाना बदोश वाली जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इन पर मुरादाबाद के अलावा उत्तराखंड में भी संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एसटीएफ व थाना पागबाड़ा के सहयोग से एक 25,000 का इनामी बदमाश दिलनशी उर्फ नदीम निवासी मैनाठेर को गिरफ्तार किया गया है। इस पर उत्तराखंड से भी 5,000 का इनाम घोषित है। इसके ऊपर पूर्व में मुरादाबाद में उत्तराखंड में लूट डकैती के मुकदमे पंजीकृत है। यह व्यक्ति 2018 में पागबाड़ा में एक डकैती की घटना में वांछित चल रहा था, जिस घटना में पहले ही 4 मुलजिमों को जेल भेजा जा चुका है। देर रात ये लोग एक घर के अंदर घुसे थे, मारपीट की थी, जिसमें एक व्यक्ति की उंगली भी कट गई थी, जहां से इन्होंने रुपये आभूषण व अन्य सामान ले गए थे। ये लोग खानाबदोश की तरह रहते हैं, तंबू लगाकर गांव या रोड के पास रहते हैं, जहां से ये कहां पे नया घटना करनी है इसकी रैकी करते हैं। इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तमंचे व 4 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। एसटीएफ व थाना पागबाड़ा का ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है।